हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। ये है मैथिली का मेरे पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 का सेट ए का मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, और मैथिली का आईएससी आईकॉम का यहाँ पे एमबी ग्रुप का, ठीक है। जो भी लोग मैथिली रखे हुए हैं यहाँ पे सेट ए का मेरे पास क्वेश्चन है, अपना मिला लेना। जो भी आप सभी का जो भी सेट हो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आप सभी को 25 नंबर का, और जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे हैं सबका यहाँ पे बताऊंगा। तो बने रहेगा दोस्तों लास्ट तक। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो लोग मैथिली रखे हुए हैं, और अपना मिला लेगा कि 25 में उसका कितना नंबर आ रहा है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपका जो है 25 में यहाँ पे कितना सही हुआ है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे का जितने भी वीडियो लेकर आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे चलिए बताते हैं आप सभी को यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ये सेट ए है मेरे पास, जो भी आप लोगों का सेट हो अपना मिला लो। देखिए बोला जा रहा है कि एकटा टूटे बांध की कौन रचयिता है, मतलब इसके रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राम नरेश सिंह, ठीक है। राम नरेश सिंह यहाँ पे एक का ए हो जाएगा, एकटा टूटे बांध के रचयिता छथि। दो नंबर है कि इंद्रकांत झा की रचना अछि, बोल रहा है कि इंद्रकांत झा की रचना कौन है। तो ये है दोस्तों अभाव, ठीक है। दो का यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए पाँच नंबर है, तीन नंबर है कि मांगी रहल छी प्रथम आई हम अपन मातृ जनवानी, कौन पद से लेल गेल छले, मतलब कौन सा ये पद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपको लोगों के बुक से ही लिया गया है, और जिसका सही जवाब होगा उसका मैं जवाब दे दूंगा नीचे में। आप लोग मुझे इसका कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोग कौन सा मारे हो इसका आंसर। देखिए चार नंबर है कि कन्यादान कौन सी विद्या छल, तो कन्यादान कौन सी विद्या था दोस्तों, ये था आपका नाटक। चार का ए हो जाएगा नाटक। देखिए नेक्स्ट है पाँच नंबर कि कपिलेश्वर झा के रचना छति, मतलब कपिलेश्वर झा के रचना क्या था। तो ये था दोस्तों वर्तमान, यहाँ पे पाँच का सी हो जाएगा, वर्तमान मैथिली कविता का स्वरूप, ठीक है। पाँच का यहाँ पे सी हो जाएगा। छः नंबर है कि रावण अंगद संवादक रचनाकार छति, तो इसका रचनाकार कौन है रावण अंगद संवाद का, तो यह है चंदा झा। यहाँ पे छः का बी हो जाएगा राइट आंसर। सात नंबर है कि चंद्रभानु सिंहक रचना अच्छी, चंद्रभानु सिंहक के रचना कौन है दोस्तों, तो ये है आपका यहाँ पे हो जाएगा युग चक्र, ठीक है। सात सॉरी यहाँ पे सात का बी हो जाएगा कोयली, ठीक है। कोयली हो जाएगा यहाँ पे सात का बी, यहाँ पे सात का बी हो जाएगा। देखिए आठ नंबर है कि मुसरी झा के रचनाकार छति, मुसरी झा के रचनाकार कौन है, तो ये है आपका आठ का सी, तंत्रनाथ झा, ठीक है। तंत्रनाथ झा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नौ नंबर है कि मधुकेर परल दुबेल कोयलिया घुलल धमाल धामल बोल छोक ई पाती, कौन पद से लेल गेल छल, मतलब कौन सा पद से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका कोयली से, ठीक है। नौ का बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। ग्यारह नंबर है कि ई बतहा संसार किनका रचना छल, तो ये था दोस्तों किनका रचना, तो ये था आपका सुधांशु शेखर चौधरी का, यहाँ पे 10 का ए हो जाएगा। अब आता है ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण सेक्शन में। देखिए गद्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो गद्य शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा पद्य, तो यहाँ पे 1 का 11 का ए हो जाएगा पद। 12 है कि चेतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो चेतन का हो जाएगा अचेतन, 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर है कि घात शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा, तो घात शब्द का हो जाएगा प्रतिघात, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि जन्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो जन्म शब्द का हो जाएगा मरण, ठीक है। यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर है कि दुर्जन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो दुर्जन शब्द का हो जाएगा सज्जन, ठीक है। दुर्जन का हो जाएगा सज्जन। 16 नंबर है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर ईस, तो 16 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोर एक, तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर है कि जलाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जल जोर आशय हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 का ए हो जाएगा, जल जोर आशय जलाशय। फिर 19 नंबर है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोर लास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा उत जोर लास, ठीक है। तो में हलंत होगा, यहाँ पे कहीं भी हलंत नहीं दिया है, उत जोर लास, यहाँ पे 19 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर है कि संहार मतलब संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संहार का हो जाएगा सम जोरहार, म में हलंत होगा यहाँ पे, तो 20 का बी हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जे कुछ नहीं जानता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक नेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञानी बोलते हैं, 21 का सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 22 नंबर है कि जकर जन्म पाछू भेल, मतलब जिसका जन्म पीछा हुआ हो तो उसको बोलते हैं अनुज, यहाँ पे 22 का बी हो जाएगा अनुज। 23 नंबर है कि नाक पिचल अच्छी जकर, मतलब जिसका नाक पिचा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नक पिचा, तो 23 का यहाँ पे ए हो जाएगा। 24 नंबर है कि एक माइक
पेटस जन्मल, तो एक ही माँ से जो जन्मा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं। तो 24 का सी हो जाएगा सहोदर। देखिए 25 नंबर है कि कम बजे वाला अनेक शब्द का शब्द लिखो, तो क्या हो जाएगा, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी यहाँ पे, और जो ज़्यादा बोलते हैं उसको वचाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है जो कम बोलने वाला उसे मितभाषी कहते हैं, यहाँ पे 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव किए हैं दोस्तों, यहाँ पे मैथिली का जो भी लोग मैथिली रखे हुए उनको शेयर कर देना इस वीडियो को, और आप लोग मिला लिए होंगे तो कितना आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।